इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे पूरे मुल्क में सहाफियों के खिलाफ इसलिए भी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि कुछ लोग गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बन रहे। हुकूमतों की जानिब से मखसूस सहाफियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह का वाकया बेलगाम शहर में भी पेश आया। बेलगाम एक्सप्रेस और बी चैनल के मुदिर आला रमजान शाह मकानदार को माल मारुति पुलिस थाने के CPI सुनील पाटिल ने फहज गालियां देते हुए मारने का इल्जाम लगाते हुए डिस बेलगाम को अपना मुतालबा पेश किया। उन्होंने आगे कहा कि जब 14 तारीख की रात अपने दफ्तर खंजर गली से अमन नगर की ओर जा रहे थे तब गांधीनगर अमन नगर रेल पटरियों के करीब अपनी टाटा सुमो गाड़ी को तेज रफ्तार दौड़ाते हुए मोटरसाइकिल को ठोकर मारी। एक तरह से कत्ल की कोशिश ही थी अगर गाड़ी न रुकती, ऐसा भी इल्जाम रमजान शाह मकानदार ने लगाया। उन्होंने शहर पुलिस कमिश्नर के त्यागराजन को भी अपना मुतालबा पेश करते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी माल मारुति पुलिस अफसर के खिलाफ बेलगाम बार एसोसिएशन यानी कि ओखलाओं की जानिब से कार्रवाई की मांग करते हुए सुनील पाटिल पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। रमजान शाह मकानदार की हिमायत में कई सहाफियों ने कहा कि अगर सहाफियों के साथ इस तरह का रवैया किया जा रहा है तो आम आवाम के साथ क्या हो सकता है, इसका अंदाजा ही नहीं लगा जा सकता। अगर सुनील पाटिल पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया। 14 तारीख की रात को जो है काम खत्म कर कर हमें ऑफिस से निकलने के लिए अक्सर लेट होता है, तो करीब 1 बजे से 12:30 1 बजे खड़े बाजार के ऑफिस से हमें घर के लिए निकले अमन नगर में। तो जाते वक्त जो है गांधीनगर में वो स्टाफ के साथ में कल के लिए क्या करना है इसका डिस्कशन करने के लिए 2 मिनट रुके थे, तो CPI जो है माल मारुति के गाड़ी के टाटा सुमो के लाइट्स बंद कर ले, वो रोड के साइड में रुके थे, हमें लाइट्स बंद कर वो रेलवे गेट की तरफ से इतनी स्पीड में आए कि अगर उनका ब्रेक नहीं लगता था तो सीधा हम ना जान से मारते थे। उन्होंने उतनी स्पीड में आकर सीधा आकर मेरी 2-व्हीलर को ठोके। ठोकने के बाद में मैं उनको बोला कि हमें प्रेस वाले हैं और हमारा अभी काम खत्म हो, ऑफिस से अभी घर जा रहे हैं। तो उन्हें CPI क्या है इधर आकर को बुलाए, मुझे बार होकर को एक वचन में बात करें, रिस्पेक्ट भी नहीं। तो उधर से इधर बार होकर को बुलाए गए। जाने के बाद में जो है मैं बोला प्रेस वाला इतना की लेट हुआ कर को बोलने में, नहीं हमारा अक्सर इतना लेट होते, अभी काम खत्म हुआ आया। गाली दिए सीधा माँ के ऊपर से गाली देखो जो है, 2 बार लाठी मांगे पुलिस के पास से। लाठी मांगने के बाद में जो है मैं वहाँ से गाड़ी लेकर निकला बाद में, फिर उसके बाद में वहाँ खड़े होकर जो है ना हर एक आने जाने वाले को फैमिलीज़ के जो कार्स आ रहे जा रहे थे उनको सब जना को रुका को भी उनको मार रहे थे कंटिन्यू। ये इस तरह से जो है इन्होंने पिछली बार वकीलों के ऊपर भी कराई, आज हमारे प्रेस वाले के ऊपर कराई। उन्होंने जब मैं प्रेस वाला बोला तो मेरी ID भी नहीं पूछे, ना तो उन्होंने क्या सुने, दूसरा सवाल भी नहीं, सीधा जो है मारने के वास्ते हाथ उठाए। बेलगाम शहर और अतराब में चोरी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता दिखाई दे रहा है। नई नई तरकीबों को चोरों की जानिब से ईजाद किया जा रहा है जिसकी वजह से पुलिस महकमा भी काफी परेशान हो चुका है। घरों दुकानों और खासकर मंदिरों पर डाका डालने की वारदातें अक्सर शहर और अतराफ में देखी जा रही है। भाग्यनगर बेलगाम में एक अजीब वाकया पेश आया। घर में बुजुर्ग खातून को देखकर दो अफरादों ने अपने आप को बेलगाम कारपोरेशन अफसरान होने की बात करते हुए घर में दाखिल हुए और घर में से तकरीबन 3 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर गए। तिलकवाड़ी पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक भाग्यनगर पहले क्रॉस में उमेश नामी ताजिर अपने वालिदा के साथ रहता है। उमेश किसी काम से 2 तारीख को घर से बाहर गए तो वालिदा गिरिजा घर में तनहा मौजूद थी। तकरीबन 12 बजे दो शख्स घर में दाखिल हुए और उन्होंने कारपोरेशन बेलगाम के अफसरान हैं और आपके घर की कुल जगह की गिनती करने लिहाजा टेप को पकड़ने के लिए कहा। बुजुर्ग खातून गिरिजा को टेप पकड़ने के लिए कहकर एक फर्द चालाकी के साथ घर में दाखिल हुआ और अलमारी से 3 लाख के जेवरात चुरा कर चले गए। कुछ देर बाद बुजुर्ग खातून गिरिजा को एहसास हुआ कि जो अपराध कॉर्पोरेशन अफसर बनकर आए थे दरअसल में वो चोर थे। तिलकवाड़ी पुलिस थाने के CPI विनायक बड़िगेर मौका वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया। तफ्तीश जारी है, क्या कोई पहचान वाला चोर था, क्या कोई घर के बारे में पहले से ही जानता था, ऐसा कई सवाल तो है पर दिन दहाड़े चोरी हुई तो आवाम में डर खौफ देखा जा रहा है। फर्जीवाड़े का तो सैलाब आया हुआ है, जिधर देखो उधर झूठ फरेब। कुछ दिन पहले सरकारी मुहर सरकारी कागजात तक फर्जी बनाए जाने की खबर को हम सब ने देखा। कॉलेज जिसको 15 दिन की छुट्टी का
फर्जी ऐलान ना मैंने सर्कुलर ने कॉलेज तलबाओं में कंफ्यूजन पैदा किया हुआ। इस फर्जी सर्कुलर के वायरल होने से काफी हंगामा होता दिखाई दे रहा, लिहाजा आखिरकार यह फर्जी साबित हुआ और तालीमी महकमा ने इस पर सफाई पेश करते हुए फर्जी होने की बात की। एक तरफ फर्जी खबरों की बाढ़ आई हुई है और अक्सर लोगों में यह बीमारी फैली हुई है, इसकी तहकीक तफ्तीश किए बगैर इसे फॉरवर्ड करते रहो। इसी तरह फेक खबरों की वजह से गलत फहमियां परवान चढ़ती हैं। अवाम को चाहिए कि कुछ भी आगे फॉरवर्ड करने से पहले इसकी तहकीक हो। अब छुट्टी के फर्जी सर्कुलर को तो कुछ लोगों ने इसे व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस भी रखा था। इस फर्जी सर्कुलर में रियासत में बढ़ती कोरोना के मद्देनजर 15 से 20 तारीख को कॉलेजेस को छुट्टी दी गई है। तमाम सरकारी दफ्तर शुरू होंगे पर रियासत के कॉलेजेस में छुट्टी होगी। तलबा और तालिबात में इस खबर के बाद उलझन पैदा हुई क्योंकि कई सारे इम्तिहान जल्द शुरू होने वाले। फर्जी सर्कुलर पर बढ़ती उलझनों को देखकर आखिर हुकूमत की जानिब से ही ऐलान किया गया कि सर्कुलर फर्जी है और इस पर भरोसा न किया जाए। जहां कोरोना टीकाकरण की मुहिम को तेज करने की बात रियासत और मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, वही कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीनेशन पर सवाल करते हुए देखा जा रहा है। भारत में एक बार फिर कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है तो फिर वैक्सीनेशन किस लिए? इसी तरह अगर वैक्सीनेशन के बाद फिर लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है या लॉकडाउन पर फिर सोचना, मतलब वैक्सीनेशन पर क्यों कुव्वत जाया की जा रही है? क्या वैक्सीनेशन महज प्रोपेगेंडा है या सियासी मौजू? आखिर इस तरह के बहुत सारे सवाल आवाम की जानिब से खड़े किए जाए। आखिर सुबह शाम कोरोना वैक्सीन के इर्द गिर्द मीडिया की कहानियां घूमती रहती है। एक बार फिर कोरोना मरीजों की तादाद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बात पर जब रियासत के वजीर अला येडियुरप्पा को क्या फिर लॉकडाउन हो सकता है इस पर सवाल किया गया तो उसके जवाब देते हुए कहा कि कर्नाटक में अब किसी तरह का लॉकडाउन नहीं होगा। आज वजीर अला और सेहत महकमा के माहिरीन से मशवरा तलब किया जाएगा जिसमें बढ़ते कोरोना मरीजों पर काबू पाने की बात कही गई। खासकर मास्क की पाबंदी की सख्ती को आयद किया जा रहा है। बेंगलोर में 500 रुपये मास्क न पहनने पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। महज एक दिन में कोरोना के 1000 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए जाने की बात कही जा रही है। मास्क की पाबंदी पर कुछ लोगों ने एतराज करते हुए कहा कि कोरोना के जरासीम इतने बारीक होते हैं कि मास्क उन्हें रोक नहीं सकता। मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ फैसले और जब से कोरोना शुरू हुआ है सिवाय उलझनों के कुछ हासिल नहीं हुआ है, ऐसा कईयों का कहना है। महाराष्ट्र और पंजाब में रात के कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन की भी तैयारी की जा रही है पर कर्नाटक में किसी तरह लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ऐसा सेहत महकमा का कहना है। कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से खून की कमी यानी कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो सकती है। अब यह नई खबर हासिल हुई है कि अगर आपको कोरोना का टीका दिया गया है तो आप खून की इमदाद यानी ब्लड डोनेशन तकरीबन 2 महीने तक नहीं कर सकते। लिहाजा सेहत महकमाओं ने पहले ही इशारा देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से ब्लड बैंकों में खून की कमी हो सकती है। इसका मतलब अगर खून ब्लड बैंकों में हासिल नहीं होगा तो मरीज के लिए खतरा हो सकता है। वाज रहे कि कोरोना टीका की वजह से आप पर ब्लड डोनेशन पर पाबंदी लगा दी जाएगी जिसकी वजह से 2 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में 15 से 21 तारीख तक कई जगहों पर लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया जिसकी वजह से मरीजों के लिए खून की कमी हो सकती है। बेलगाम शहर में कन्नड़ मराठी तनाजा आज भी जारी है। एक तरफ शिवसेना शहर सदर पर हमले को लेकर महाराष्ट्र लोकसभा में शिवसेना एमएलए की जानिब से मजम्मत की गई, वही बेलगाम डीसी को आज कन्नड़ा तंजीमों की जानिब से बेलगाम शहर में वाके शिवसेना दफ्तर को ही बंद करने की मांग की गई और शिवसेना लिखी हुई गाड़ी को भी हिरासत में लिया जाए, ऐसा मुतालबा आज बेलगाम डीसी एमजी हिरमट को दिया गया। साबिक जिले वजीर रमेश जारकीहोली मामले में फिर ट्विस्ट आ गया है जिसे लेकर रियासती कांग्रेस की जानिब से रमेश जारकीहोली को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की मांग की गई। रियासत कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से भाजपा हुकूमत की नाकाबिलियत पर तंज करते हुए सेक्सडी मामले को रमेश जारकीहोली ने ही मंजरे आम पर लाया है, ऐसा लड़की की जानिब से कहा गया और एक नई वीडियो क्लिप के जरिए ये मंजरे आम पर लाएगा। इसके बावजूद वजारत दाखिला तफ्तीश तहकीक के नाम पर वक्त जाया कर रही है। रियासत हुकूमत महज पार्टी लीडर के तहफ्फुज की खातिर कुछ कार्रवाई करने से कतरा रही है और बचने की कोशिश कर रही है। रियासत कांग्रेस ने मांग की है कि रमेश जारकीहोली को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, ऐसा ट्वीट के जरिए किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।